Welcome everybody, this is Talha from Talharvis YouTube channel. Guys, ये है Vivo का Vivo V21e जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसी फोन के बड़े भाई के बारे में, Vivo V23e के बारे में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो आओ यार देखते हैं कि क्या कुछ सीन है V23e को लेकर, क्या स्पेक्स है, कब आने वाला है, लाइक सारी चीजें आपको जो है वो Vivo V23e के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। एंड हाँ, आप में से कौन कौन ये वाला फोन यूज कर रहा है, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया है एंड बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताना, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी से करना। बैकग्राउंड देख रहे हो, ये भी कुछ भी नहीं है, बस आप देखते जाओ क्या क्या होता है। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। गाइस आई होप कि आप कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी वीडियोस के सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और हां, लाइक लाजमी से कर देना। सो भाई, लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं V23e को लेकर। सबसे पहले बात करूंगा फोन के डिस्प्ले को लेकर। 6.44 इंच डिस्प्ले, एक एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगी। नोच के साथ आपको जो है वो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक ये पहला फोन है जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। अगर कोई और है तो वो मुझे आप बताएंगे, लेकिन आई थिंक चूंकि यही वाला है। बाकी नोच को इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए अभी के लिए। अगर हायर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो फिलहाल कंफर्म नहीं है कि इसमें होगा, बट मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, बिकॉज सेम वही पैनल यूज किया जाएगा। बिकॉज इन ब्रांड्स के पास ये जो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ी होती हैं, जिसमें अगर इनको कोई नया मॉडल लॉन्च करना हो तो फिर ये हार्डवेयर चेंज कर देते हैं या कुछ छोटा मोटा चेंज कर देते हैं, डिजाइन चेंज कर देते हैं और इनका नया मॉडल आ जाता है। अब आप देख रहे हैं डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें वही है, कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का कर दिया जाएगा, लाइक मार्केटिंग गिमिक बोल सकते हैं। बाकी देखेंगे आने पर क्वालिटी वगैरह, डिस्प्ले क्वालिटी, सेल्फी क्वालिटी कैसी होती है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी जबरदस्त है, कैमरा क्वालिटी। बाकी बैक की बात करूं, डिजाइन तकरीबन थोड़ा पुराना ही है और जो कैमरा मॉड्यूल है सिर्फ उसको चेंज किया गया है। बैक पर सेम कैमरा जो कि इस स्मार्टफोन में आ रहा है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, उसके बाद में 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा अपग्रेड पता क्या है, वो है प्रोसेसर को लेकर। यस, इस बार आपको Vivo के स्मार्टफोन में Vivo V23e में MediaTek का G96 मिलने वाला, जो कि अभी के लिए एक ट्रेंडिंग प्रोसेसर है और तकरीबन जो है वो 30 से 40 हजार 50 हजार तक भी जो है वो यही प्रोसेसर चल रहा है। देखते आने पर कि इस बार जो Vivo की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो कितनी ज्यादा बेहतर होती है या फिर डाउन होती है, ये तो मुझे आने पर ही पता चलेगा, ऐसे में आपको नहीं बता सकता। लेकिन हां, कैमरा अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार हार्डवेयर चेंज है तो कोई पता नहीं है कि अपग्रेड हो जाए ज्यादा या फिर डाउनग्रेड हो जाए, देख लेंगे यार। उसके बाद में गाइस यहां पर आपको 8GB 128GB वेरिएंट देखने को मिल जाएगा एंड जैरो वगैरह हार्डवेयर बेस देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। बाकी G96 एक अच्छा प्रोसेसर है, बट मुझे इन ब्रांड से एक चीज चाहिए, वो है 60 FPS पबजी में। यार अब तो ले आओ भाई, 30 हजार चलो 40 हजार में कर लेते हैं, डन करो यार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पबजी 40 FPS और 60 FPS में अपना ही मजा होता है। एंड अगर आप में से किसी की डिवाइस जो है वो 60 FPS सपोर्ट करती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, लेकिन मेरी नहीं करती। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और बैटरी की बात कर लीजिए, 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि इनका सेल्फी नंबर था 44 मेगापिक्सल, इस बार इन्होंने 44 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग दे दी है। उसके साथ में आपको जो टाइप सी देखने को मिलेगी, एक सिंगल स्पीकर है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। देखो बहुत नेक्स्ट लेवल अपग्रेड्स नहीं किए गए फिलहाल, जो चीजें निकल कर आ रही है ना V23 को लेकर। बाकी जब मार्केट में आएगा तब देखेंगे कि क्या कुछ सीन है, कितना अपग्रेड है, कितना डाउनग्रेड है, लेकिन फिलहाल के लिए देखने में अच्छा लग रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्राइस। अगर तो इस फोन की प्राइस 40,000 आ जाती है, 40 से 45, चलो 45 ठीक है, इसकी सेम प्राइस में आ जाना, बिकॉज डिस्काउंट काफी ज्यादा तगड़ा मिलता है वीवो के मामले में, तो फिर एक अच्छी डिवाइस हो सकती है। लेट्स सी क्या बनता है, कि ये टेक्नो इन्फिनिक्स को टक्कर दे सकते हैं। सो भाई आने की बात करते हैं कि ये फोन आने कब वाला है। सो भाई अगर आने की बात कर लीजिए तो ये जो स्मार्टफोन है ये जनवरी में आ जाएगा पाकिस्तान में, जो चीजें पता चली है। एंड जैसे ही आएगा होप्स हो गया इस बार आपको V23 की एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाए मेरे चैनल पर। बाकी देखेंगे कि क्या कुछ बनता है, लेकिन मैंने कुछ प्लान कर रखा है। आई होप कि आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी। अभी आप वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, या वीवो लवर या फिर किसी भी ब्रांड के लवर हो तो मुझे लाजमी से बताना। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। सो भाई मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक करके जाना, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ कंफ्यूजन है कमेंट्स में, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।